ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने छह राशियों की बात की थी, चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई भी नया काम हो, उसके हर नए काम के कुछ कानूनी पहलू होते हैं, तकनीकी पहलू होते हैं, उनके ऊपर अच्छी तरीके से विचार करने के बाद में, गौर करने के बाद में ही कोई भी डील को साइन कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। पोस्ट लंच सेशन के बाद में कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। सप्ताह में एक दिन छोटी कन्याओं के चरण छू लें आप, तो वैसे ही आपका जीवन धन्य हो जाता है। बलात्कार मत कीजिए, चरण छूइए। वृश्चिक राशि, आज कामकाज के लिहाज से एक सकारात्मक दिन है, मनमाफिक दिन है। जिस काम को आप काफी समय से पूरा नहीं कर पा रहे थे, वो काम आज अचानक ही बनता हुआ नजर आएगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी का सेवन करके दिन की शुरुआत कीजिए। अगली जो राशि वो धनु राशि, काम का बोझ ज्यादा रहेगा, कायदे से जुड़ी बातों और निर्णय को सोच समझ कर कीजिएगा। कंफ्यूजन को जितना जल्दी हो सके दूर कर लीजिए अपनी लाइफ से, और किसी से जरूरत से ज्यादा कड़वी या बहुत ज्यादा सच वाली बात आज मत करिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम तीन राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक मेल ले लेते हैं। पंडित जी, अक्सर लोगों के दिल में और दिमाग में संशय होता है कि वो किस तरह की नौकरी करें और किस तरह की नौकरी नहीं करें। इसी समस्या से संबंधित हमें एक मेल प्राप्त हुआ था करण सिंह जी का। इनकी जन्म की तारीख है पंडित जी 19/8/2002। उनके जन्म का समय है रात का 11:20 का। पंडित जी जानना चाहते थे कि किस तरह की नौकरी करें, उनका जो आने वाला भविष्य है वो कैसा होगा। बेटा, हमारे हिसाब से तो अभी आप बहुत छोटे हैं, 16 साल के हैं, अभी तो शायद आपकी एजुकेशन भी कोई 10th-11th वाली बात होगी, उसमें जॉब की बात करना तो बेमानी हो जाती है। लेकिन फिर भी जो हॉरोस्कोप इज़ वेरी गुड, सूर्य बुध बुध आदित्य योग है, एजुकेशन, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन एजुकेशन, पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए। आपके दिमाग का स्वामी मंगल नीच का है, अपने विचारों में स्थिरता रखिए, मन को शांत रखिए, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और अच्छी सरकारी नौकरी आपको मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल हो सकते हैं। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। अब संजय जी हैं 12 से, इनकी जन्म की तारीख है 25/10/1974 और इनके जन्म का समय है सुबह का 8:15 का। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। जी संजय जी, अपना सवाल कीजिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, आपसे पहले भी बात हुई थी, आपने बोला था 13 सितंबर के बाद आपका कार्य जो भी है नौकरी का वो बैठ जाएगा, अभी तक तो कुछ बैठा नहीं। और एक मेरा प्लाट है वो नहीं बिक पा रहा, उसके लिए आप बताएं क्या करना पड़ेगा। देखिए संजय जी, शनि की महादशा और बुध का अंतर आपको चल रहा है और विष योग आपका भी 13 सितंबर को ख़त्म हुआ है और 9 नवंबर 2016 तक का ये पीरियड है। इस पीरियड में अगर आपको जॉब मिल जाती तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसके बाद में अप्रैल 2017 तक आपकी नौकरी के कोई योग नहीं बनते, बिकॉज यू आर पासिंग फ्रॉम सच ए बैड टाइमिंग, आप एक ख़राब समय में से निकल रहे हैं। इसलिए इस जो बहुत शॉर्ट पीरियड है, 13 सितंबर और 9 नवंबर का जो पीरियड है, 1.5 महीने का ही पीरियड है, इस 1.5 महीने में अगर नौकरी लग गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अप्रैल 2017 से पहले आपकी कोई बेटर जॉब के चांसेस नहीं बन सकते। कारण क्या है? बहुत सारे कारण है, आपका भाग्य का स्वामी जो है बुध, वो अस्त है, सूर्य आपकी जन्म कुंडली में नीच का है, चंद्रमा जमीन जायदाद के घर में विषयोग बना रहा है। जो भी पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में होनी है वो सब अप्रैल 2017 के बाद होनी है। जमीन बिकने का जो चांस है वो भी अप्रैल 2017 के बाद होना है। नौकरी के, अच्छी नौकरी के योग है वो भी अप्रैल 2017 के बाद होना है। शनि की महादशा, बुध का अंतर, बुध अस्त है, भाग्येश अस्त है, तुरंत प्रभाव से एक पन्ना रत्न धारण कीजिए सीधे हाथ में, सबसे छोटी उंगली में, बुधवार के दिन नियमित रूप से हर बुधवार को गणेश जी के मंदिर में दर्शन करने जाएं, दुर्वा चढ़ाएं, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः मंत्र का 108 बार नियमित रूप से जाप करें। रविवार के दिन लाल रंग की गाय को धोबा भर के, ऐसे धोबा भरते जैसे हथेली भरना अपने आपी भाषा में कहते हैं, धोबा भर के
तो ऐसे पूरा हथेली भर की गेहूं लाल रंग की गाय को खिलाए। तांबे का कड़ा धारण करें, नियमित रूप से सूर्य भगवान की आराधना करें, आदित्य दशरथ का पाठ करें, कुछ तो आपके जीवन में पॉजिटिव होगा। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अंतिम तीन राशियों की, जो कि मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई अच्छा काम आपके लिए लाभदायक संदेश ला सकता है, कंपटीशन में सक्सेस मिल सकती है। ज्यादा सोच विचार करने से स्वास्थ्य बिगड़ भी सकता है, ज्यादा सोचना नहीं। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्या को फलों का दान कीजिए। अगली जो राशि हो कुंभ राशि, जिस काम को करने के लिए आप काफी दिनों से परेशान हो रहे हैं, वो काम के बन जाने का समय नजदीक आ रहा है। व्यापार के लिहाज से, कार्य क्षेत्र के लिहाज से अनुकूल परिस्थितियां बनने वाली है। यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर पक्षियों को खिलाइए। अंतिम जो राशि वो मीन राशि, आज आप अपने जितने भी पूर्व नियोजित काम है उनको सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। किसी नए कार्य क्षेत्र में जाने के लिए रास्ता साफ होगा। व्यवसाय व्यापार में आज का दिन ठीक है। आज के दिन की सफलता के लिए सफेद पुष्प अपने पितरों को अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, क्या आप बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है? क्या आपको लगता है कि मां लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, बरकत नहीं होती है? जितना कमाते हैं वो तो घर खर्च में पूरा हो जाता है, खुद का मकान बनाना है लेकिन धन कहां से लाएं? गाड़ी खरीदनी है, धन कहां से लाएं? बिटिया की शादी करनी है, धन कहां से लाएं? कर्ज है, कैसे चुकाएं? आपके इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए, आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए आज मैं आपको एक बेहतरीन मंत्र बताने जा रहा हूं। इस मंत्र का जाप करें, दुर्लभ मंत्र है, निश्चित तौर पे भगवान विष्णु के आशीर्वाद के साथ साथ में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो दूर होते हैं। आपके घर में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद जो है वो स्थायी रूप से बना रहता है। आप लिख लीजिए इस मंत्र को, बहुत सरल मंत्र है। ओम रिम रिम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। पुनः उच्चारण सुनिए, ओम रिम रिम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। एक बार पुनः उच्चारण बता देता हूं, सरल मंत्र है, दुर्लभ मंत्र है। ओम रिम रिम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। आने वाले नवरात्रों के दिनों में यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरसात हो, लक्ष्मी की बरसात हो, मां दुर्गा के समक्ष, मां तुलसी जी के समक्ष गूगल धूप और गाय के शुद्ध देशी घी के दीप को जलाकर इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा तुलसी जी की, आप देखिएगा 9 दिन के अंदर चमत्कार। निश्चित तौर पे मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी, भगवान विष्णु का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और हमारे जितने भी जो दर्शक आपको देख रहे हैं और अपनी समस्याएं हमको बताते हैं, उन्हीं सभी की समस्याओं का समाधान करने के लिए, आप सभी का आज का दिन मंगल में हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है, उसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।